मैंग्रोव को लेकर सरकार समय समय पर जागरूक कार्यक्रम करते रहती है, पर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही एक मामला पर सात बंगला नाना नानी पार्क सामने आया है, जहां के रहवासियों ने मिलकर मैंग्रोव को बचाने का निर्णय लिया है और इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही साथ इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाने का निर्णय भी लिया गया है। जमीन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने विलासराव देशमुख के टाइम पे क्लास 5 एम्प्लॉइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अलॉट की थी। अब ये एक बिल्डर गुलाटी करके बिल्डर है, वो इस ज़मीन को अब्सर्व कर रहा है और उसमें बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, वो लीगली परमिसेबल नहीं है। ये मैंगो ट्रस्ट ज़मीन है तो इस पर वैसे भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सफल ना होने दें। इसके अलावा मैंग्रोव वगैरह काट दिए गए, पेड़ वगैरह काटे हैं, मैंग्रोव काटे हैं ज़बरदस्ती, यहाँ से उसकी एंट्री नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है और पूरी दादागिरी कर रहा है। हम लोगों ने कल पुलिस कंप्लेंट भी की थी, पुलिस कंप्लेंट की कॉपी यहाँ है, कोई देख सकता है, सारी फोटोग्राफ वगैरह हैं। पुलिस वाले आए, उन्होंने जो काट रहे थे उनको लेके गए, लेकिन उनको फिर छोड़ दिया क्योंकि आज सवेरे वो यहाँ नज़र आ रहे थे। अच्छा, फिलहाल आप लोगों की मांग क्या है? हमारी यही मांग है कि भाई यहाँ पर मैंग्रोव हैं, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, खत्म बात। क्योंकि अगर मैंग्रोव को कट करोगे तो इस द होल एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब। खाली मैंग्रोव नहीं है, दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ डीपी रोड, टू बी वेरी फ्रैंक। डीपी रोड के अंदर पूरा मैंग्रोव था और ये बिकॉज ऑफ दिस रोड का जंक्शन आता था तो उसको एडवांटेज मिल गया टू पुट डेब्रीज, और उसने धीरे 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 करके उसने अभी अपना रोड एक्सेस वहाँ तक लेके इंक्रोच करके लेके चला गया। नाउ दिस वी आर फाइटिंग सिंस 2004। आई हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट विल शो दैट 2004 में हम लोग ने इनको बोला था कि भाई देखो आप इधर एंट्री नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस डजेंट बिलोंग टू यू। उसका एक छोटा सा प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसमें शायद बिल्डिंग नहीं बन सकती जैसे ये बोल रहे हैं। एक्सेस भी नहीं है, एक्सेस के लिए वो गए थे इनके पास, विच दे डिडंट अलाउड, यू कैनॉट गेट एक्सेस, सो दे वॉन्ट एक्सेस फ्रॉम हियर। उसके लिए इतना नाटक अभी 14-15 साल हो गए हैं ये चक्कर चल रहा है। हम लोग ने पहले 2004 से लेकर 2007 तक हम लोग सबको मिले थे पुलिस स्टेशन में, मेरा एडवोकेट ने FIR भी फाइल की हुई है, वी हैव गॉट मेयर का लेटर हम लोग ने दिया हुआ है। मेयर आए थे इधर, खुद आए थे, वो इधर आके मेकर दत्ता करके थे, मिस्टर दत्ता मेयर थे, वो आए थे, उन्होंने इधर फेंस कर दिया था, ये रोड पूरी बंद कर दी थी, तो फेंस करके हम लोग ने फिर अंदर ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग ने बोगनविला ट्रीज भी लगाई थी एंड इट वॉज फ्लरिशिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब नानानी पार्क बना उसके साथ में हम लोग को ये भी ब्यूटिफाई किया। लेकिन 2004 से लेके उसने जो तोड़ना चालू किया धीरे धीरे धीरे, और हम लोग भी काफ़ी मेहनत किया 2004 से लेके 2007 तक, मेरे पास पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस है तब तो, उसके बाद में शायद हम लोग थोड़े थक गए, तो उसको लेकिन एडवांटेज मिल गया उसका, और उसने क्या किया पूरा पत्रे लगा के अंदर से उसने धीरे 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 करके अपने प्लॉट तक अभी पूरा पहुंच गया, उसकी अभी रोड पहुंच गई है। नाउ व्हाट ही वांटेड टू डू वाज कि उसको एक्सेस अपने रोड अभी ले जाके और आगे भी भरनी करनी है, विच वी केम टू नो अनऑफिशियली कि वो आगे भरनी करना चाहता है क्योंकि उसका प्लॉट को पूरा लग के अभी तक हुआ नहीं है, कुछ तो छोटा सा पैच बाकी है, बट वो भी पूरा मैंग्रोव का है। अभी उसने क्या किया, वो नीचे के थोड़े मैंग्रोव कट कर दिए उधर ताकि उसके भरनी हो जाए, ऊपर से आप देखेंगे ये देखिए पूरी ट्री उसने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ट्री कट कर दी। और पहले 2004 में दो झाड़ इधर थे, मैरिटाइम बोर्ड था, उसकी हिम्मत देखो उनकी कि उन्होंने दो ट्री भी कट कर दी, मैरिटाइम बोर्ड भी हटा दिया, और ये जो फेंसिंग ये ऐसा था, ये जो फेंसिंग ऐसी थी अभी आप देखेंगे देखो अंदर की तरफ उसने पहुंचा वो फेंसिंग घुमा दी है। और देखो ये कंक्रीट बना के अभी ये पूरी रोड मैग्नम टावर से लेके ट्रॉपिकाना तक पूरा ओपनिंग ऑफ रोड है। ये आप देखेंगे उसने आधी रोड कवर कर ली है, अपने एरिया में ले ली है, और वहाँ एक उसने स्ट्रक्चर भी बना लिया है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसने मीटर भी ले लिया है। अभी इतना तो हद ही हो जाती है ना कि आप गवर्नमेंट के प्लॉट में मैंग्रोव के अंदर आप स्ट्रक्चर बना लेते हो और फिर भी हमने अपनी गवर्नमेंट कोई अपने को साथ नहीं देती है।
अभी हम लोग ने फिर से रिवाइज करके पूरा लेटर्स फिर से रिवाइज करके हम लोग ने कॉरपोरेटर को लिखा है, MLA को लिखा है, कल गजानंद कीर्तिकर जी आ रहे हैं, हम उनको भी बोलेंगे ये बात कि देखो ये है। और कल की बात है, मैं और सुंदरी जी ठाकुर हम लोग पुलिस को भी बुलाया, दो वैन पुलिस की आई, उनको लेके गए और उनको अंदर हम लोग ने कंप्लेन वगैरह सब चीज़ की है, बट आज सुबह फिर वो छूटे हुए। अभी आप देखिए, इन्होंने कल पूरा ये तोड़ दिया था, आज फिर से देखो इन्होंने कंक्रीट कर दिया। देखिए जी, आप जरा इधर फोकस करिए, ये देखिए, हाँ जी, वो बाद में हम लोग कर लेंगे। ये देखिए, ये फोकस करिए, ये देखिए ताज़ा उन्होंने फिर से गेट लगाना शुरू कर दिया, जो कि प्लॉट होता है नहीं, कंक्रीट ये प्लॉट है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर इनकी मजाल देखो, ये बाउंड्री बनाई जा रहे हैं, तो ये तो हद है। आई थिंक सो दिस इज़ टू मच। और ये मेरे को लगता है रेगुलर जो लैंड ग्रैबिंग का माफिया कंट्रोल से चलता है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दैट गोइंग, तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। मैं कर्नल प्रेम कुमार शर्मा हूँ और ये नाना नानी पार्क का रेगुलर विजिटर हूँ एवरी डे। हम यहाँ देखते थे कि यहाँ कुछ भी नहीं था अभी कुछ दिन पहले तक, और आज बताया मुझे सुंदरी जी ने कि ये लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं हम कि ग्रीनरी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रोटेक्टेड लैंड है एज़ पर द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो इट इज़ मस्ट दैट वी शुड स्टॉप दिस एनक्रोचमेंट विच दिस मैन इज़ डूइंग इलीगली। ये जो गलत काम कर रहा है इसको रोकना चाहिए। ये लाइटिंग भी रात को रखी है, पर ये टोटली एक एक्सेस ले लिया दूसरे तरीके से, ये मैनग्रोव्स की एंट्री कर दी है विच इज़ अ डेंजर टू नेचुरल हैबिटेंट। तो हम लोग के यहाँ लोग रहते हैं, वी कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दिस इज नेचुरल फिनोमिना, तो बहुत गलत हो जाएगा। एंड व्हाई शुड एनीबॉडी हैव एन इंक्रोचमेंट ऑन द गवर्नमेंट लैंड, एंड वी आर मेकिंग यू ऑल अवेयर ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए एंड शुड बी शॉर्टेड आउट एंड सी दैट इट इज स्टॉप्ड इमीडिएटली। एक काफ़ी पुराना एंक्रोचमेंट है, तो आपने देखा है मैरीटाइम बोर्ड की जो जगह है वो, ये जो प्लॉट है वो इज अ प्लॉट एलोकेशन इज अ वेरी डिफरेंट इश्यू ऑल टूगेदर। वी आर नॉट कॉन्टेस्टिंग और गेटिंग इन टू दैट। इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ प्लॉट, ये जो प्लॉट है उसमें एक्सेस नहीं है। ये आप जो देख रहे हो वो मैरीटाइम बोर्ड की गवर्नमेंट की जो प्रोहिबिटेड जगह है उसका एक्सेस किया हुआ है। सो ये बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर इधर बनना, बहुत फॉरेस्ट स्ट्रक्चर बनाया है और ट्रीज ऑल्सो हैव बीन फेल्ड। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये जो मैंग्रोव है वो तो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, देर इज अ वेरी सेटल्ड लॉ ऑन दैट, यू नो। तो ये बहुत सीरियस एंक्रोचमेंट है, बहुत सीरियस वायोलेशन है, वो समझना चाहिए। हम सिटीजन क्यों एजिटेट कर रहे हैं? वी डोंट नो द लीगैलिटी ऑफ दैट प्लॉट, बट वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग द मैंग्रोव्स। ये बहुत सिंपल इश्यू समझना जरूरी है। अवर एजिटेशन इज अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ मैंग्रोव्स एंड इलीगल एंक्रोचमेंट ऑफ द लैंड विच इज अ फॉरेस्ट लैंड विच इज अ लंग ऑफ द सिटी, यू नो, एंड इट्स अ वेरी सीरियस वायोलेशन विच वी मस्ट प्रोटेक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट एंड विद दिस। सलामत जी, आप देख रहे हैं ये इतने सारे सीनियर सिटीजन खड़े हुए हैं, और जो हम तो जब पैदा भी नहीं होते जब से वो इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोग इतना ग्रीनरी पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे MLA MP सारे लोग जगह जगह झाड़ लगा रहे हैं, हमारे लोग जितने भी हैं NGOs हैं सारे झाड़, और यहाँ बाकायदा मैदान बनाया जा रहा है। तो एक सोचने की बात है, कल हम इतना बिजी शेड्यूल था, मुझे वसीम अंकल का फ़ोन आया, सुंदरी ऐसे ऐसे हुआ है फ्री हो, मैंने बोला फ्री तो नहीं पर इसके लिए फ्री हूँ क्योंकि ग्रीनरी हमको चाहिए ही चाहिए। जब हम नया लगा रहे हैं तो वो नया कब बड़ा होगा, पुराना हम काट रहे हैं तो उसके लिए कब वेट करेंगे। तो सलामत जी, मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी है मिस्टर गुलाठी, जो भी हैं जिनको अलाउट हुआ नहीं अलाउट हुआ वो मुझे कुछ नहीं पता ना, हम इसके ऊपर जा रहे हैं कि प्लॉट किसका है और किसका नहीं है, हमारी उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये मैंग्रोव और ये ट्री जो अभी आपने देखे जो काटे गए हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हमें जगह उन्होंने कितनी कैप्चर करनी है, कितनी नहीं करनी है, कहाँ से रास्ता लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, वो उनका लुकआउट है, हमें उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना और ना ही हम करना चाहते हैं। बट हमारा सवाल एक ही है कि यहाँ का जो भी ग्रीनरी है पूरे, आप पूरा यहाँ से विजुअल वहाँ तक लीजिए मैग्ना मुपेश तक, पूरा मैंग्रोव है। अभी आप इस पोर्शन में एक भी झाड़ देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए? तो कल हमने मिस्टर गुलाटी को यहीं खड़े होके फ़ोन किया,
तो उनका कहना ये था, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम बना रखा है, पूरा मैंने पैक कर लिया है, आप लोग भी इसमें इंटरफेयर मत करो। तो यानी कि कल को तो फिर ये भी कटेगा, इंटरफेयर मत करो ऊपर से नीचे तक। अब हम ये पूछना चाहते हैं मिस्टर गुलाटी जी से, कितना ऊपर तक है भाई, मिडल में जाना पड़ेगा या उसके ऊपर, या कि पूरा सीधा आकाश में भेज देंगे, वो कहाँ जाना पड़ेगा ये तो वो ही बता सकते हैं ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी से, पूरे एरिए से, और मिस्टर गुलाटी जी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, कहते हैं ना कांटों में हाथ मत दीजिए, कांटों में हाथ देंगे तो चुभेंगे, ऐसा नहीं कि चुप रहेंगे। ये कोई यहाँ जो खड़े हैं वो कोई रोड के रहने वाले नहीं है, ये सब बड़े बड़े बड़ी बड़ी हस्तियाँ खड़ी है यहाँ पे, तो कोई डरने वाला है नहीं। तो आपको जो करना है, आपको जो प्लॉट दिया गया आप उसमें कीजिए, लेकिन आपने जो ये कानून को तोड़ा है उसकी तो सज़ा होनी चाहिए। हमने कल पुलिस स्टेशन में 3 घंटे खपाए, हम अपना सारा काम छोड़ कर गए, तो 3 घंटे में हमको ये कहा आपको अपडेट मिलेगा, हमें अभी तक अपडेट नहीं मिला। हमें ऐसा लगा कि हम इनसिक्योर फील करने लगे, हमें लगा और भी कुछ हो सकता है। तो वाकई जब हमने यहाँ आके देखा तो ये बहुत कुछ हो चुका था, कल ये नहीं बंधा हुआ था, ये जो लेंटर लगाया हुआ है ये भी कुछ नहीं था, बाम्बूज कुछ नहीं था, आज सिर्फ ताज़ा ताज़ा आप सीमेंट देख सकते हैं। तो मैं किसकी खामियां बताऊं और किसकी नहीं बताऊं, ये आपको समझ में आ रहा होगा और सुनने वालों को भी आएगा। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, मगर मैं इस जगह के लिए हम नहीं चाहेंगे कि इस जगह को मैदान बना के बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि सब डूब जाएंगे। यही एक बचा है यहाँ पे मैंग्रोव का, बाकी तो ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है, और वो भी कलेक्टर लैंड है। तो आप ये सोचिए कलेक्टर लैंड में किसका है, कलेक्टर लैंड में कलेक्टर कैसी परमिशन दे रहा है, वो कलेक्टर भी तो जवाब देगा ना हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, जो जैसा था वैसे ही रहेगा, अगर यहाँ कुछ हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं किसके खिलाफ़ जाऊँगी फिर, किसके खिलाफ़ नहीं जाऊँगी ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जिसको समझना है जो...